अच्छा मैडम, आपको रोकने के लिए यहाँ पे कोई लेडी कॉन्स्टेबल नहीं है? कॉन्स्टेबल नहीं है, हमें रोक रहे हैं इस तरह, ये कौन सा तरीका है? सर आप क्या कहते हैं, फीमेल्स को रोकने के लिए आपके पास लेडी कॉन्स्टेबल होनी चाहिए थी? अनीफ साहब ये है, पीछे आ रहे हैं। नहीं इस इस आ रही है अभी, लेकिन आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आपको आपको कुछ पता ही नहीं है, आप लेडीज को ऐसे भी रोक सकते हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट राइट, और हमने 100 दफा पहले यहाँ मार्चेस लगाए, मशाल खान के कत्ल पे हमने मार्च निकाला था। ऐसा रवैया थोड़ा ही देखने को मिलता है। बहन आपका मुतालबा क्या है, क्या मुतालबा आप लोग लेके आए? नाज़रीन इस वक्त मेरे पीछे बहुत सारी तादाद स्टूडेंट्स की मौजूद है, जिसमें मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत बुरी चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है कि यहाँ पे ख़वातीन को रोकने के लिए कोई लेडी कांस्टेबल मौजूद नहीं है। मर्द पुलिस हज़रात ही उनको रोक रहे हैं, उनको वो स्टूडेंट्स को टच भी हो रहे हैं, और किस तरह से उनको ये जबरी तौर पर उनकी रैली जो है पुरअमन रैली को रोका जा रहा है। अब वो स्टूडेंट्स ये मुतालबा कर रहे हैं, अगर हमें रोकना है, अगर हमारी रैली को रोकना है तो आप कम से कम, अगर जबरी तौर पे रोक रहे हैं तो कम से कम आपके साथ लेडी कांस्टेबल तो होनी चाहिए, लेकिन लेडी कांस्टेबल इस वक्त नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा, मैं पूरा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है। हाँ, तो हमारा इस वक्त जो है यहाँ पे कोई लेडी कांस्टेबल फीमेल स्टूडेंट, ये दिखाएं सामने सामने, यहाँ पे लेडी कांस्टेबल नहीं है। अच्छा मैडम, आपको रोकने के लिए यहाँ पे कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है? कांस्टेबल नहीं है, हमें रोक रहे हैं इस तरह, ये कौन सा तरीका है? अगर फीमेल्स हैं मार्च, आप क्या कहते हैं, फीमेल्स को रोकने के लिए आपके पास लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए थी? अनीफ साहब ये है, पीछे आ रहे हैं। नहीं इस आ रही है अभी, लेकिन बार बार ये लोग फतवा लगाते हैं। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आपको आपको कुछ पता ही नहीं है, आप लेडीज को ऐसे भी रोक सकते हैं? आके खड़े हो गए मुंह उठा के, इधर फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनको हरास किया जा रहा है, और हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट राइट है, और हमने 100 दफा पहले यहाँ मार्चेस लगाए, मशाल खान के कत्ल पे हमने मार्च निकाला था। औरत मार्च हम निकालते हैं, स्टूडेंट्स मार्च हम निकालते हैं, ऐसा रवैया थोड़ा ही देखने को मिलता है। लेकिन CDA ने जो फोर्स्ड इवैक्यूएशन की है, इससे क्लियर है कि जो पूरी इधर की डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया है वो तलबा के खिलाफ यूनाइटेड है, और वो नहीं चाहते कि तलबा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, एक पीसफुल मार्च भी उधर से नहीं करके इधर वापस आ सकते। बहन आपका मुतालबा क्या है, क्या मुतालबा आप लोग लेके आए? हमारा मुतालबा ये, एक तो ये कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट दिया जाए, तलबा की आवाज है, आप उनको नहीं दबा सकते इस तरह से। और इधर बेसिक हाउसिंग का इशू है, ये फीमेल स्टूडेंट्स जो दूर दराज इलाकों से आती है, वर्किंग क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है, साथ जॉब्स करती है, वो नहीं उधर हॉस्टल सिटी के साइड पे फजलुर रहमान जिसके भी कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाने और हमारी रेजिडेंसी को कमर्शियल करार दे के उधर। अच्छा मैडम, आपके स्टूडेंट्स कुछ ये भी क्लेम कर रहे हैं कि CDA की जानिब से आप लोगों के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, क्या जुल्म ज्यादती हुई है CDA की जानिब? दो हॉस्टल्स नोटिसेस के बगैर सील किए गए हैं, वहां से फोर्सेबली फीमेल स्टूडेंट्स को भी इवैक्यूएट किया गया, उनको अपनी बिलोंगिंग्स उठाने का भी नहीं टाइम दिया गया, और ये मिड टर्म एग्जाम्स के ड्यूरिंग था। अभी इलेक्शन साइकिल से पहले सब सियासतदान आके नौजवान नौजवान ये नारे लगाएंगे, लेकिन कोई भी इधर हमारे साथ खड़े होने को रेडी नहीं है। और इधर कोई हम किस कानून पे हम भरोसा करेंगे, कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा? इवन पुलिस इधर हमें रोकी जा रही है। अच्छा बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं जो चीज देख रहा हूँ, आप लोगों को फीमेल्स को रोकने के लिए लेडी कांस्टेबल नहीं है, और आप लोग इस चीज का क्लेम कर रहे हैं, तो आप क्या समझ, लेडी कांस्टेबल को होना चाहिए था यहाँ पे? बिल्कुल होना चाहिए, इंतहाई गैर मुनासिब है कि मेल जो पुलिस है वो हमारे से इस तरह से बहुत हार्शली डील कर रही है, और वापस मतलब ऐसी चीजें लोगों कह रहे हैं कि हम तो आपके बाप की उम्र के हैं, और ऐसे ये इंतहाई मतलब गैर मुनासिब तरीका है किसी भी लड़की से बात करने का। जी नाज़रीन, ये स्टूडेंट्स का मौकफ है इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, स्टूडेंट्स का CDA के खिलाफ एक एहतजाज जारी है, जो स्टूडेंट्स की रिहाइश को छीना जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को बेघर किया जा रहा है, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और अपनी जो आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुँचा रहे हैं।